Subscribe to the Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And from this video, I am going to discuss about the chemotherapy. So, aaj ki video se hum start karenge chemotherapy ke bare mein. And as we know that the chemotherapy is the most important topic for the any exam purpose, like semester exam or any other competition exam like GPAT, NIPER, DI, pharmacist, etc. So, chemotherapy is the most important. तो बात करें हम कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके जीपेट हो, नाइपर हो या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम हो. तो हमारा मेन फोकस ये है आज की वीडियो का कि व्हाट शुड बी रीड अबाउट द कीमोथेरेपी, हमको कीमोथेरेपी में क्या पढ़ना चाहिए. कीमोथेरेपी की बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे डिसीज हैं, बहुत सारे इन्फेक्टिव डिसीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो बात करें हम ड्रग्स की, तो हमको क्या पढ़ना चाहिए उस ड्रग के बारे में, कौन सा मोड ऑफ एक्शन बेहतर होगा पढ़ने के लिए, या फिर ADR बेहतर है, या कौन किस क्वेश्चन से या किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो पे. और हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस से कि हम आपके सारे वीडियोस पे हम MCQs लास्ट में ऐड करेंगे, 2 से 4 MCQs, 5 से 6 MCQs, ताकि आपको इजीली उस टॉपिक के जो मेन आउटपुट है वो समझ में आ सके, साथ साथ वो बेहतर होगा आपके किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए. सो आप आज से जो वीडियो बनेगा या फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम MCQs भी ऐड करेंगे, तो आप उस वीडियोस को पूरा देखिए, लास्ट में आप उस MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सो बात करें हम कीमोथेरेपी की, उससे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अबाउट द डिसीज़ के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज़ अ डिसीज़, बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजी इज़ अ डिसीज़. ओके, लेकिन बात करें हम डिसीज़ की, तो इन माई ओपिनियन डिसीज़ कैन बी कैटेगराइज इंटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज़ द सिस्टमिक डिसीज़, मीन्स दोज डिसीज विच आर कास्ड बाई डिस्टर्बेंस इन अवर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारे ऑर्गन के अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्बेंस होने के कारण जो डिसीज़ होगी उसको हम एक तरीके से सिस्टमिक डिसीज़ बोल सकते हैं. जैसे कि आपका कार्डियोस्कुलर डिसऑर्डर्स में आपका हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, आपका एंजाइना, अरिथमिया, CHF, ये सब हैं. उसके अलावा आपका किडनी फेलियर या फिर आपका GIT डिसऑर्डर्स हैं, अल्सर हैं, या फिर जो भी आपके सिस्टम के अंदर में, चाहे वो CVS हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रेटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो या CNS हो, उनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है और आपको डिसीज होगा, उसको एक कैटेगरी में रखेंगे. एंड सेकेंड कैटेगरी इज द इन्फेक्टिव डिसीज, मीन्स दोज डिसीज विच आर कॉज्ड बाय द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. तो अगर आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हुआ है और उसका जो मेन रीज़न क्या होगा, पैथोजेंस, आपके जितने पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, फंगल हो गया या फिर आपका प्रोटोजोआ हो गया, ये आपके बॉडी को अटैक करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे, उसको हम एक तरीके से इन्फेक्टिव डिसीज़ बोल सकते हैं. जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या फिर TB हो गया, आपका मलेरिया हो गया या वायरल डिसीज़ हो गया, ये सब आपके इन्फेक्टिव डिसीज़ के अंदर में आते हैं. बात करें हम ड्रग्स की, तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि बात करें हम सिस्टमिक डिसीज़ के अंदर में, जितने भी ड्रग्स आते हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम्स को या फिर आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको अल्टर करते हैं, उसको टारगेट करते हैं. लेकिन जो इन्फेक्टिव डिसीज़ हैं उसमें जो ड्रग हम यूज़ करेंगे वो आपके होस्ट सेल्स को या हमारे बॉडी के सेल्स को, सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते, उसको अल्टर नहीं करते. वो कहीं ना कहीं जो फिजियोलॉजी है आपके पैथोजेंस का, बैक्टीरिया का, फंगल का, वायरल का, उनको वो अटैक करेंगे, उनको वो ठीक करेंगे या फिर उनको किल करेंगे. तो इसलिए हम डिसीज़ को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक और है आपका कैंसर. कैंसर एक तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, लेकिन जो उसका मेन फिजियोलॉजी है, जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कैंसर सेल्स के, वो एक तरीके से आपके बैक्टीरिया जैसा होता है, उसके जितने भी आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वैसा होता है. इसलिए हम कीमोथेरेपी के अंदर में एंटी कैंसर ड्रग को भी रखते हैं. नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक, सो कीमोथेरेपी. सो व्हाट इज़ द कीमोथेरेपी, टर्म्स है आपका कीमोथेरेपी, मीन्स दिस वर्ड इज मेड बाय 2 वर्ड्स, कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट बाय यूजिंग केमिकल्स. सो बात करें हम इसकी डिटेल डिफिनेशन की, तो वो है आपका ड्रग्स सिंथेटिक और नेचुरल आर डिज़ाइन टू एक्ट टू ट्रीट द सिस्टेमिक इन्फेक्शन एंड कैंसर्स आर नोन एज द कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स. तो ऐसे ड्रग, चाहे वो नेचुरल हों या फिर आपके सिंथेटिक हों, वो जो हैं ड्रग डिज़ाइन किया जाता है किसी ना किसी इन्फेक्टिव पैथोजेंस को किल करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए, अदर किल द बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और
कैंसर सेल्स, तो कैंसर सेल्स को भी किल या फिर ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। तो वैसे ड्रग को हम कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के अंडर में रखते हैं। बट द मेन पॉइंट इज दिस ड्रग्स कैन नॉट अफेक्ट द होस्ट सेल। कहीं ना कहीं ये जो ड्रग हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग हैं उनका मेन काम आपके कैंसर सेल्स पे होगा या फिर आपके इन्फेक्टिव पैथोजेंस पे होगा, आपके होस्ट सेल्स पे नहीं होगा। मींस ड्रग्स आर डिजाइन टू ट्रीट द सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड कैंसर विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल। तो कहीं ना कहीं ये आपके होस्ट सेल्स पे काम नहीं करता। जैसे कि हमने पिछले अभी मैंने बात कर चुके हैं कि आपके जितने भी ड्रग हैं सिस्टमिक डिसीज़ के, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर में जो डिस्टर्बेंस हुई है उसको ठीक करते हैं। लेकिन जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो पैथोजेंस हैं या फिर कैंसर सेल्स हैं उसको ट्रीट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमिक ड्रग्स और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। नाउ कम टू द कैटेगरी ऑफ कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स। सो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स और एजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू और कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। सेकेंड इज द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस लाइक टीबी, फंगल, वायरल, मलेरिया, लेप्रोसी और हेलमिंथिस। तो इनकी जो आपके एंटीमाइक्रोबियल हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो जनरल हैं, वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। बात करें हम सेकेंड क्लास की, तो वो ऐसे ड्रग हैं जो कि स्पेसिफिक आपके किसी ऑर्गेनिज्म पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, चाहे वो आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर फंगल हो या फिर वायरल हो या फिर मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं या फिर लेप्रोसी या फिर हेलमिंथिस पैरासाइट हैं उनको भी अटैक करते हैं, वो ड्रग हम अलग कर सकते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी इज द एंटी कैंसर्स और एंटी न्यूप्लास्टिक्स ड्रग्स। मीन्स दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। सो ऐसे ड्रग जिसको हम कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए, ये जो ड्रग्स हैं कहीं ना कहीं आपके कैंसर सेल्स के जो फिजियोलॉजीज हैं उसको अल्टर करते हैं और उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं या फिर उसके सेल्स को भी किल कर सकते हैं। बात करें हम कैंसर ड्रग्स को या एंटी कैंसर ड्रग्स को हम कीमोथेरेपी में क्यों रखते हैं, बिकॉज द फिजियोलॉजिकल एनालॉजी बिटवीन द माइक्रोब्स और कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों के जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं वो सिमिलर होती हैं, इस वजह से हम एंटी कैंसर ड्रग्स को कीमोथेरेपी में रखते हैं। एंड नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट शुड बी द रीड इन द कीमोथेरेपी। हमको कीमोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए। अगर हम बात करें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की या फिर एंटीबायोटिक्स की, तो उसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं ड्रग्स इन देयर क्लासिफिकेशंस, मोड ऑफ एक्शंस, थेरेपेटिक यूज एंड बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ADR, ड्रग रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन एंड फार्माकोकाइनेटिक। बात करें इस पॉइंट पे, तो बात कर रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की, जैसे कि अगर पेनिसिलिन हो गया, सिफोलोस्पोरिन्स हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। बात करें हम क्विनोलोन्स की, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्स हो गया या फिर आपका सल्फोनामाइड हो गया, वो है आपके एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, वो सिंथेटिक ड्रग हैं। तो उस पर जो हमको क्या पढ़ना है, जितने भी ड्रग्स हैं उनके क्लासन से पढ़ना ही है। बात करें हम क्लासिफिकेशंस की, तो हम इसको अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द सोर्स और बेस्ड ऑन द देयर एक्शन लाइक बैक्टेरियोसाइटल और बैक्टेरियोस्टैटिक। तो अलग टाइप के हम पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वह आपका है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा हम बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, जो सोर्स हैं मतलब आपके वो जो आपका एंटीबायोटिक्स हैं वो फंगस से मिलता है या फिर बैक्टीरिया से मिलता है या फिर किसी और चीज़ से मिलता है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा है आपका जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो क्या है, वो बैक्टीरियोसाइडल्स हैं या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स दोज ड्रग्स विच किल्स द बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरियोसाइडल। एंड सेकंड इज द बैक्टीरियोस्टैटिक्स मीन्स दोज ड्रग्स विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर द बैक्टीरियोस्टैटिक्स। मतलब ऐसे ड्रग जो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देते हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं। और ऐसे ड्रग जो कि उसकी ग्रोथ को कम करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग बोल सकते हैं। तो उसको भी आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आपका हर सारे जितने भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं या फिर एंटीबायोटिक्स हैं उनके मोड ऑफ एक्शन इन डिटेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किसी भी एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल के लिए। वही आपका मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात करें या फिर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें या फिर आपके एमसीक्यूज हों,
उसके अलावा है आपका थेरेप्यूटिक यूज़। बात करें हम जितने भी एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो यूटीआई हो आरटीआई हो, तो कॉमन होते हैं, उस पर स्पेसिफिक आपके यूज़ नहीं होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कम है एज पर द कंपेरेटिव एग्ज़ाम। नेक्स्ट है आपका एडीआर। एडीआर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक्स और इन द कीमोथेरेपी। बात करें हम कीमोथेरेपी की पूरी ओवरऑल में, तो एडीआर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली आपका जो जितने भी एंटीबायोटिक्स या कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं वो आपके होस्ट सेल्स पे काम नहीं करता, होस्ट सेल्स को अफेक्ट नहीं करता मेजरली, लेकिन अगर वो हार्मफुल है, अगर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर आपको होस्ट को अल्टर होस्ट सेल्स के फिजियोलॉजी को अल्टर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगा, बहुत ज़्यादा एडीआर होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जैसे कि बात करें एलर्जिक रिएक्शंस हो, या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स हो, या फिर ग्रेविन सिंड्रोम्स हो, बहुत सारे डेंजरफुल डिसीज़ हो सकते हैं आपके एंटीबायोटिक के गलत तरीके से यूज़ करने के कारण, या फिर उससे साइड इफेक्ट से। सो एडीआर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स मोड ऑफ एक्शन एंड एडीआर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कीमोथेरेपी। एंड नेक्स्ट इज़ द ड्रग रेजिस्टेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जान रहे हैं हमको जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो रहे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहे हैं, या फिर क्रॉस रेजिस्टेंस हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है। तो एडवांस रूप में अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको ड्रग रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और उसको कैसे हम रोक सकते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए आपके सारे एंटी माइक्रोबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के केस में। एंड सेकेंड इज़ द फार्माकोकाइनेटिक। सारे ड्रग का इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ड्रग जो है फार्माकोकाइनेटिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज़ द स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिसीज़ की बात करें, चाहे वो टीबी हो, मलेरिया हो, वायरल हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका तीन चीज़ें हैं, आपका टीबी, मलेरिया, वायरल एंड फंगल। चार जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, मतलब आपके टीबी से क्वेश्चन पूछ सकता है, फंगल से, वायरल से और मलेरिया से। लेप्रोसी और हेमेंथिस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें। तो उसमें हमको पढ़ना बेसिक क्या है आपका, पैथोजेंस एंड लाइफ साइकिल्स, पैथोजेनेसिस एंड स्प्रेडिंग, ड्रग्स जितने भी उसके ड्रग्स यूज करेंगे, उसके अलावा आपका मोड ऑफ एक्शन एंड एडीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल ड्रग्स। नाउ कम टू द कैंसर। तो बात करें हम कैंसर की या एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो आप कैंसर को जितना ही पढ़ ले उतना कम है, मीन्स प्लीज़ रीड डीप मच एज पॉसिबल। जितना भी आपको पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि कैंसर से जो है एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, जीन लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके कंपटीटिव एग्ज़ाम में, तो बेहतर है कि आप उसको डिटेल पढ़िए। जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कैंसर सेल, सेकेंड इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर्स, थर्ड इज़ द ऑन्कोजिन्स एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन्स भी आते हैं क्वेश्चन, पिछले बार आए थे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑन्कोजिन्स होते हैं, कौन कौन से एंटी ऑन्कोजिन्स होते हैं, या फिर ट्यूमर सप्रेशन जीन्स होते हैं। हम बात करेंगे डिटेल में हर एक अपने क्लास में इनके बारे में। नेक्स्ट इज़ द ड्रग क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स ऑफ ईच क्लास, जनरल साइड इफेक्ट्स लाइक बाल्डनेस, इम्पोटेंसी, बोन मिनरल सप्रेशन, एंड स्पेसिफिक साइड इफेक्ट। जो हर एक ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है अलग, जैसे क्या बात करें साइक्लोफोसमाइड की, दे कैन कॉज ब्लैडर डैमेज, तो ये आपका स्पेसिफिक आपका एडीआर है उस ड्रग का। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक यूज़, तो कौन से ड्रग कौन से कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फार्माकोकाइनेटिक इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ कैंसर्स और एंटी कैंसर ड्रग्स। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कीमोथेरेपी, एंड वी शुड नो what should be read in the chemotherapy in your exam purpose, चाहे आपके semester हों चाहे आपके competition exam हो। So if you want to note, please take a screenshot, and in my upcoming class I will discuss in detail about the basics or general principle of chemotherapy and their history. Thank you, keep watching.